जमशेदपुर से साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। शास्त्री नगर के रहने वाले शुभ्रति अंसारी के बैंक खाते से कुछ बदमाशों ने 93,000 रुपए उड़ा लिए। जब पैसा कटने का मैसेज शुभ्रति अंसारी को आया तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में साइबर आतंकियों का गैंग सक्रिय होकर काम कर रहा है और अब तक कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है। मैंने एक तो बोल रहा ना, मैंने फ़ोन किया हमको, बोला कि हम बैंक से बोल रहे हैं, बोलते आपका ATM है क्या? तो हम बोला कि ATM तो मेरे पास है सर, लेकिन 2 महीना 2.5 महीना हुआ तो हम उसको यूज़ नहीं किया। तो बोला ठीक है, बोलता तो आप जानते हैं, बोलता ATM है यूज़ नहीं करना साहब पे क्या होगा, बोलते आपका बैंक खाता का दोनों, बोलता बैंक खाता भी और ATM भी दोनों बंद हो जाएगा 6 महीने के लिए। उसके बाद बोला अच्छा ठीक है, तो हम आपको चालू करवा देंगे, हम एक मैसेज दे रहे हैं आपको, मैसेज से फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम लड़का को बुलाया, लड़का को हम बोला देखो क्या क्या बोल रहा है, हमको तो उतना आता नहीं है। तो लड़का को समझा बुझा के बोला तो फॉरवर्ड कर दिया बस। जानकारी में आज तक का जानकारी के अनुसार या घटना के अनुसार हम लोगों को ये पता हुआ है कि 3 ही मुख्य बिंदु समझ में आ रहा है जिसके चलते होता है। एक तो कस्टमर को कोई अज्ञात फोन आता है फ्रॉड द्वारा या किसी के द्वारा कि आपका लॉटरी लगा है या आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदे हैं, आपके नाम से कुछ गिफ्ट आइटम आया है, प्रलोभन देता है। तो ये प्रलोभन में आकर के अपना अकाउंट और मोबाइल नंबर जिससे वो जुड़ा होता है बैंक खाता से ये बता देते हैं, जिससे इनका रुपये की फ्रॉड उसके द्वारा कर लिया जाता है। दूसरा है आपकी मजबूरी, जैसे बैंक के नाम पर कॉल करता है कि आपका ATM बंद होने वाला है, पुराना हो गया है, आप अपना पुराना ATM का नंबर बताइए, आपको नया इशू हो जाएगा। अब ये बैंक अधिकारी के नाम पर फ़ोन किया, बैंक कर्मचारी के नाम पर, और इन्होंने अपना बता दिया डेटा, जो भी इनके पास सिम ATM में है ये बता दिए, उसके आधार पर वो ATM क्लोन करके वो निकालता है अपना करके, गोपनीय भी पूछ लेता है, बताता है। तो ये हुआ मजबूरी। भी कॉल आया कि आप फलना बैंक में धारक हैं। इस मामले के बाद लोगों में साइबर अपराधियों का खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। फिलहाल पुलिस पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।